एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात है, 7 मीटर है, और त्रिज्या मापने में त्रुटि 0.02 मीटर के बराबर है। अब हमको ज्ञात है कि गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है, और सन्निकट मान का सूत्र है डेल्टा v बराबर dv/dr डेल्टा r। तो हम dv/dr ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए सूत्र डेल्टा v बराबर dv/dr डेल्टा r में हम क्या देखते हैं, dv/dr क्या होगा, क्योंकि v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब है, इसलिए dv/dr हो गया 4/3 पाई इंटू आर क्यूब का हो गया 3r² इंटू डेल्टा आर। हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया, अर्थात 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये मान आ गया 4πr² माई इंटू डेल्टा आर के बराबर। अब क्योंकि आर हमें ज्ञात है 7 मीटर है, और त्रुटि अर्थात डेल्टा आर 0.02 मीटर है, तो ये मान हमने यहाँ रख दिए, अर्थात डेल्टा वी का मान हो गया 4 इंटू पाई इंटू 7² इंटू 0.02, जो गणना करने से हमें क्या मिलता है, 3.92 पाई m³ के बराबर। अर्थात आयतन के परिकलन में जो सन्निकट त्रुटि होगी वो 3.92 पाई m³ के बराबर है। एफ 2.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, जहां एफ एक्स बराबर 4x² प्लस 5x प्लस 2 है। यहां हम देखते हैं कि हमें x प्लस डेल्टा x का मान 2.01 मिला है, जहां x 2 है और डेल्टा x 0.01 के बराबर है। तो यहां हम देखते हैं कि x प्लस डेल्टा x 2.01 है, x है 2, डेल्टा x 0.01 के बराबर है। अर्थात एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ 2.01 है, और एफ एक्स जो है वो एफ 2 के बराबर है। अर्थात यदि हम एक्स में 2 रख दें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें राइट हैंड साइड में भी 2 रखना पड़ेगा, और ये मान हो गया 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 प्लस 2, मान हो गया 16 + 10 + 2, अर्थात 28 के बराबर। अब हम देखते हैं कि एफ डैश एक्स क्या है, क्योंकि एफ एक्स बराबर 4x² प्लस 5x प्लस 2 है, इसलिए एफ डैश एक्स होगा 8x प्लस 5 के बराबर, क्योंकि 4x² का जो यदि हम अवकलन करें तो वो 8x होता है, 5x का 5 होगा और 2 का 0 हो गया। तो हमने क्या प्राप्त किया, एफ डैश एक्स 8x प्लस 5 के बराबर है। अब हम अवकलन के प्रथम सिद्धांत से जानते हैं कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एफ एक्स, अर्थात यह मान होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स के बराबर। तो यहाँ अब हमें एफ एक्स का मान ज्ञात है, एफ एक्स है 28, एफ डैश एक्स एक्स एफ डैश एक्स 8x प्लस 5 है, एक्स का मान हमें ज्ञात है कि एक्स का मान 2 है, डेल्टा एक्स हमें ज्ञात है, डेल्टा एक्स का मान 0.01 के बराबर है। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अर्थात हम एफ ऑफ 2.01 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मान क्या हो गया, एफ एक्स अर्थात 28 प्लस एफ डैश एक्स अर्थात 8x प्लस 5 इंटू डेल्टा एक्स, जो कि है 0.01 के बराबर। सरल करें और x का मान अब हम यहां 2 रख देते हैं, तो ये हो गया
एफ 2.01 अर्थात एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान हमने 2.01 रख दिया, ये मान हो गया 28 प्लस 8 इंटू एक्स का मान हमने 2 रख दिया, तो 8 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 0.01 जो हमें जो हम गणना करके प्राप्त करते हैं कि 28 प्लस 21 गुणा 0.01 अर्थात यह मान हो गया 28.21 के बराबर। तो इस प्रकार एफ 2.01 का जो मान है वो हमने प्राप्त कर लिया 28.21 के बराबर है। प्रश्न है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो? यहाँ हम मान लेते हैं कि शंकु के आधार की त्रिज्या है वो r है और शंकु की ऊंचाई h है। तो r बराबर हमने मान लिया शंकु के आधार की त्रिज्या है और h बराबर है शंकु की ऊंचाई। अब यहाँ प्रश्न में हमें दिया गया है कि शंकु किस प्रकार का बन रहा है, ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, अर्थात h जो है प्रश्नानुसार वो r बटे 6 के बराबर है। तो h बराबर r बटे 6 या r बराबर 6h के बराबर है। अब हम जानते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। तो v बराबर आयतन v बराबर हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर का मान 6h हम रख देते हैं क्योंकि h बराबर आर बटे 6 है, तो आर का मान हमने 6h के बराबर रख दिया। v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा 1/3 पाई 6h का स्क्वायर इंटू h के बराबर, और ये मान सरल करने से आता है 1/3 पाई 36 का 36 इंटू h क्यूब के बराबर। अब हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करें तो हम क्या प्राप्त करते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने से, कि dv बाई dt बराबर हो गया 12 h इंटू 3 h स्क्वायर dh बाई dt के बराबर। हमने क्या प्राप्त किया है, v है हमारा सरल होने के बाद 12 पाई इंटू h क्यूब के बराबर, क्योंकि 3 से 36 कैंसिल हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, 12 पाई इंटू एच क्यूब, दोनों पक्षों में हमने टी के सापेक्ष अवकलन किया तो डी वी बाई डी टी हो गया 12 पाई, अचर है एच क्यूब का हो गया 3 इंटू एच स्क्वायर, और एच का हम अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो डी एच वाई डी टी के बराबर आ गया। अब प्रश्न में हमें यहाँ क्या दिया गया है, प्रश्न में हमें दिया गया है कि जो शंकु का आयतन है पाइप से रेत जो गिर रही है वो 12 सेंटीमीटर प्रति क्यूब की दर से गिर रही है, अर्थात dv बाई dt जो है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है, और हम इसमें मान रखकर dh बाई dt निकाल सकते हैं जबकि h का मान 4 सेंटीमीटर के बराबर हो। तो हम क्या करते हैं, dv बाई dt को 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड रख देते हैं जो कि प्रश्न में हमें दिया गया है। तो यहां दिया गया है dv बाई dt बराबर 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है, इसलिए 12 बराबर हो गया 12 इंटू पाई इंटू 3 इंटू एच स्क्वायर डी एच वाई डी टी, अर्थात यह समीकरण हमें देता है डी एच वाई डी टी बराबर 1/3 पाई एच स्क्वायर, और एच बराबर 4 सेंटीमीटर होने पर
ये मान हमें देगा डी एच बाई डी टी एच बराबर 4 होने पर 1/3 इंटू पाई इंटू 4 का स्क्वायर, सरल होने से ये मान आता है 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड के बराबर। तो इस प्रकार जो शंकु की ऊंचाई में वृद्धि दर है वो 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड है।